बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। जिस तरह मैंने आपसे पहले जिक्र किया था मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो जो मेरा अगला बेंच मार्क था वो 10,500 बिलियन का था और ये तकरीबन 10,600 तक, ये ड्यूरिंग द वीक जो है 10,600 तक गया है और क्लोजिंग भी तकरीबन 10,600 बिलियन के अराउंड आई है। मतलब 10,500 का जो बेंच मार्क है वो अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी एज कम्पेयर टू लास्ट वीक देखें, थोड़ी सी हमने वहाँ पे करेक्शन देखी थी। इसके बाद जो है फिर अगेन मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई और अभी जो वॉल्यूम हुआ है वो तकरीबन 1.076 बिलियन, 1.076, ठीक है, तो ये 1.076 बिलियन, ठीक है, का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो अच्छा खासा लास्ट देखें करेक्शन आई थी लेकिन कम वॉल्यूम से आई थी, 636 राउंड अबाउट 636 मिलियन का जो है हमने लास्ट वीक में वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा था। इसके साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन भी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, ऑब्वियसली सेलिंग हमने विटनेस की, तो मैंने भी कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अभी भी प्रॉफिट टेकिंग का मैं सजेशन दूंगा क्योंकि देखिए इस वक्त RSI जो है वो 77 के अराउंड है, मतलब ओवरबॉट जोन में है। डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे देखें हम यहाँ दो कंसेक्यूटिव डेज में हम ये देखें, एक ये 4 जुलाई और 5 जुलाई को हमने यहाँ पे सेलिंग या हम इसको प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे, प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे यहाँ पे देखें प्रॉफिट टेकिंग हमने विटनेस की है, तो आप लोग भी अपर साइड पे सेलिंग को ही प्रिफर करें। अगर मेरे रिकमेंडेशन है कि ये अपर साइड पे थोड़ा सेलिंग करें, स्पेशली वो स्टॉक जो मार्केट के साथ साथ उनका भी RSI हाई है, ठीक है, जो लो RSI में है वो देखें। अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करती है अपने आप को तो लो RSI को आप जो है वो प्रिफर करें ऑन डाउन साइड टू बाय। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से ये बता दूं, अच्छा एक तो CPR लेवल मैं आपको वीकली पे बता दूं, मैं अभी इस पर आपके डेली चार्ट शेयर कर रहा हूँ लेकिन वीकली के जो CPR है वो 79,900 है और मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुई है, तकरीबन 80,000 के अराउंड हुई है। तो ये अगर मेंटेन करता है इस लेवल को, इंडेक्स सपोर्ट करता है और ये मेंटेन रहता है तो अगला जो है लेवल जो है 8,800, जहाँ से 80,800 पे जो है मार्केट ने रिजिस्ट किया था यहाँ पे और रिजेक्शन भी हमने विटनेस की है। तो एक तरह से मैं आपको वीकली पे अगर बता दूं तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सॉरी ये बटन है, ये हमारा वीकली पे ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, बिटवीन 80,800 टू 84,800 ये इसमें एंटर होने वाली है मार्केट जो है। तो इसमें जरा केयरफुल रहना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा सेलिंग आती है। देखिए ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री का मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ बाय कर ले, नहीं, यहाँ बाय नहीं करना। ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन शो कर सकती है, ये मैं आपको बताऊँ। असल में इसलिए मुझे पर्सनल में काफी लोगों ने बोला था, आपने बोला था ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री तो हमने बाय कर लिया, नहीं, मैंने कभी ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री पे बाय की सजेशन नहीं दी है ना रेकमेंड किया है। मैं आप मेरी पिछली वीडियो भी देख लें, जब भी रेजिस्टेंस पे अगर कोई इंडेक्स जा रहा है या स्टॉक जा रहा है तो मैं कहता हूँ यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर इसको क्रॉस करता है तो ठीक है, जाहिर सी बात है आप एंट्री ले सकते हैं अगले जो कैंडल बनती है, अगर डेली भी कर रहे हैं तो अगले अगले दिन में आप देखें क्लोजिंग देखें ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री के ऊपर हुई है तो आप बाय कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो लेकिन ब्रेकआउट होना जरूरी है, देखिए जैसे ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्ट्री है तो ये देखिए अपर साइड पे 84,800, इसको ब्रेक करना और उसके आगे सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। लेकिन जिस तरह मैंने अभी आपको बताया RSI काफी हाई है तो ऑब्वियसली अभी लोगों को जहन में ये कि रिजल्ट सीजन है, ठीक है, तो रिजल्ट सीजन में ज्यादातर स्टॉक वॉलेटाइल होता है लेकिन मार्केट इतनी हाई हो गई है, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनका पी रेशियो 34 तक गया। अभी मैंने बीच में हेलियन का मैंने आपको आपके साथ चार्ट भी शेयर किया था, मैंने स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, यहाँ पे तो नहीं किया है, तो उसमें भी यही था कि उसका पी रेशियो 34 पर है और विद बैड फंडामेंटल्स, फंडामेंटल इतने अच्छी नहीं है, वीक है लेकिन टेक्निकली परफॉर्म कर रहा है और पी रेशियो 34 कौन देगा 34, देखें इन्वेस्टर जो है पी 34 पे तो बाई नहीं करेगा। तो इसमें ऑब्वियसली देखें जैसे दाग मैंने बीच में बताया था, ये माल कॉर्नर हो चुके होते हैं, DAAG दाता एग्रो कुछ भी नहीं है, माल कॉर्नर हुआ हुआ है, उसको 300-400 रुपए तक ले गए। तो कहने का मकसद यह है कि सेंसिबली इन्वेस्टमेंट करें।
और इसमें जो है इस वक्त जो है मैं आपको एडवाइस करूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग करें अप साइड पे, जो आपने लोअर साइड पे जो लिया हुआ है उसकी प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। यहाँ मैं इसको मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आवरली पे भी ले चलता हूँ। डेली मैंने आपको बता दिया, वीकली बता दिया, आवरली पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्लॉट करके। थोड़ा सा और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं। यहाँ पे हम प्लॉट देखें, यहाँ पे हमने 8,800 के करीब ये वाला, ठीक है, ये हमने यहाँ पे अपर साइड देखा था। यहाँ रिजेक्शन भी देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखें जैसे रिजेक्शन आए और नीचे सेलिंग कितनी आई है, ठीक है। तो अभी हम ये वाला लेवल लेंगे जहां से इसने लो किया था 80,000 के करीब, ठीक है। ये हम लेंगे, ये हम लेंगे डाउन साइड पे, सॉरी, ये यहाँ पे लेंगे 80,000 वाला, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे चीजें आपको क्लियर होना शुरू, जिस इसी तरह अपसाइड पे भी ऐसे होता है। अगर अपसाइड पे जाती है तो यहाँ देखें, यहाँ पे ये वाला स्ट्रॉन्ग इस वक्त 0.5 जो है, देखें जिसने यहाँ लो किया, लो करने के बाद जो है इसने इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। ये रिटेस्ट किया, रिजेक्शन आई, क्लोजिंग आई, फिर ये अपर साइड पे जाने लगा। इवन ये 382 के करीब भी गया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए कर देता हूँ ये, ठीक है। ये वाला लेवल जो है, ठीक है, ये इस वक्त जो है 8,300 का रिजेक्शन एरिया है। यहाँ पे देखिए रिजेक्शन ही, इससे पहले ही रिजेक्शन आई है, ये हम ये रिजेक्शन देख रहे हैं। फिर इसके बाद ये वाला एरिया, ये सब रिजेक्शन एरिया है। यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, ये आप देख रहे होंगे विक बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे भी इससे भी बड़ी विक बनी, यहाँ पर भी गया इंडेक्स, ठीक है, इससे ऊपर भी गया, 8,600 भी गया, लेकिन 8,576, ठीक है, 8,600 समझ लें। ये तीन इस वक्त रिजेक्शन एरियाज हैं, ठीक है, एक तरह से समझ लें ये हर्डल्स हैं, ठीक है। एक और भी आपको एरिया बता दूं, ये वाला, ये भी अभी तक रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। ये आवली के हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि यहां पे हमने काफी, देखें यहाँ पे हमने काफी बड़ी बेरिश कैंडल देखी है, फिर इसके बाद से जो है ये एरिया जो है इस वक्त मैं आपको ये एक समझ लें, एक तरह से सपोर्ट एरिया है या एरिया ऑफ वैल्यू है। आवरली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। ये वाला एरिया इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। और ये जो इसका जो लो किया था अभी का, ये आवरली के हिसाब से है एरिया ऑफ वैल्यू इसका, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, ऊपर की साइड भी आपको बता दूं, ठीक है ना, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये अगला एरिया जो आएगा, ये आएगा ये सुपर 200-300 पॉइंट। यहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस है, रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं। ये मैं आपको साथ साथ जो ज्यादा सी बात है वीकली रेप है तो मैं आपको आवरली और डेली भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। 81,370 के अराउंड जो है ये हम फिर देख सकते हैं एरिया, यहाँ पे रिजेक्शन देख सकते हैं या इसको क्रॉस करते हैं तो फिर मजीद अपसाइड, ये 82,152, ये मैं आवली पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम डेली पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको जो अभी बताया अभी देख के, इसको मैं डेली पे ले जाता हूँ, फिर मैं रिमूव कर दूंगा ताकि डेली पे हम इसकी वो देख लें, सिंक्रोनाइजेशन देख लें। अच्छा, डेली पे भी तकरीबन देखें, ऑब्वियसली उसकी रिफ्लेक्शन आवली की डेली पे आती है। तो एक्चुअली ये वाला एरिया जो था अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन, ये वाला एरिया 80,006 का, मतलब 80,000 ही समझ लें आप राउंड फिगर में, ये वाला एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ऑन शॉर्ट ग्राफ, ठीक है। ये एरिया ऑफ वैल्यू मैंने आपको बता दिया इस वक्त जो है 80,275 से लेके 80,000 तक, ठीक है। ये एरिया जो है क्लोजिंग इसके नीचे आई है अभी, और यहाँ पे देखें हमने आवरली में भी, डेली में भी हमने सेलिंग देखी है, और आवरली में भी यहाँ पे भी हमने यहाँ रिजेक्शन के साथ थोड़ा सा एक बुलिश, हम इसको डोजी कहेंगे। अच्छा, अब जब ये ऐसा डोजी बनता है इन्वर्टेड हैमर ऑन लोअर साइड तो चांसेस हाई के होते हैं, लेकिन ये लेवल को ब्रेक करना जरूरी है जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं, 80,390, 80,480 और 80,580, ये समझ लें ये लेवल है, ये इनका ब्रेक होना बहुत जरूरी है।
विथ हैवी वॉल्यूम्स, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्यूम देखें काफी वॉल्यूम से नीचे आया था आवाली में देखें तो, ठीक है। तो अभी अगर हम ये कैंडल देखें बड़ी वाली, तो देखें 62 मिलियन का मतलब हमने इसमें देखा था, ड्रॉप देखा था, लेकिन एप्रिसिएशन हमने इसमें यहाँ से देखी है इसकी लेवल्स की, वो इतनी ज्यादा नहीं है और वॉल्यूम भी आधे हैं, जितना ये ड्रॉप होता उससे आधे पे ये ऊपर गया है। ये विथ रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन भी आई है, ठीक है। जो एरिया मैंने आपको बताया 80,390, अच्छा वापिस, अच्छा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर हम आ जाते हैं वीकली पे वापिस, ठीक है। तो हम वीकली शेयर कर रहे हैं रैप अप। और दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने बताया ना, जिस तरह हर 0.5 ट्रिलियन के बाद, मतलब फॉर सपोज 9 ट्रिलियन, 9.5 ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, 10,000 बिलियन जो है, अभी 10.5 ट्रिलियन हो गया है। तो ये ऑब्जर्वेशन रही है मेरी कि जब भी ऐसा कोई 0.5 ट्रिलियन का जो है इंक्रीज देखते हैं, तो वहां से करेक्शन आती है, और हमने करेक्शन देख भी रहे हैं, अभी अभी करेक्शन चली रही है। यहाँ पे हम देखें आवाली चार्ट पे, जिसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा वीकली पे आ जाते हैं, तो वीकली पे भी जो है इस वक्त जो सपोर्ट एरिया जो है, मैंने आपको ये तो ब्रेकआउट ट्रेजिट्री तो मैंने बता दिया वीकली का, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। और सपोर्ट एरिया जो है, मतलब जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ वैल्यू वीकली का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। एक ये यहाँ से लेके ये वाला लेवल लेके प्राइस एक्शन को हम लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये वाला 14,800 से लेके ये वाला एरिया 71,900, ये इस वक्त एरिया ऑफ वैल्यू है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ वैल्यू वीकली का, एरिया ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे जो है इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो है वही अगेन हम वो जो है अप्लाई करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज, एमए मूविंग एवरेज लेंगे। और फाइव मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था कि इसको ये बाय फॉल्ट जो है, बाय डिफॉल्ट होता है 9, लेकिन आप इसकी सेटिंग में जाके इसको 5 जो है वो बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल अब ये देखें, इसकी देखें सिंक्रोनाइजेशन तकरीबन जो इसका मिडिल बैंड है 77,900, या इसको हम ले लें 77,600-77,700, ये 900 अगर बताया तो 200-300 पॉइंट देखें विक बनती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे विक बनी थी 77,900 पे, और फिर यहाँ पे मजीद अपसाइड मूवमेंट हमने देखी है। तो इस वक्त ये एरिया जो है 77,900 का मिडिल बैंड जो है इस वक्त एक्टिंग एज ए सपोर्ट लेवल, ठीक है। बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल इस वक्त ये अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि भाई ये सपोर्ट लेवल अच्छा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, इसका वेट करें। अच्छा प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको एक और चीज भी बता दूं वीकली पे, क्योंकि हम सब चीज लेकर चलेंगे, हम 3-4 जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं विथ ऑसिलेटर, जो मैंने आपको नीचे बताया RSI वगैरह, तो जैसे प्राइस एक्शन है, फिबोनाची है, और अपना ये CPR है, तो CPR को मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ पे ये एक ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये भी एक लेवल जो है, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ये आप इसको समझ लें शॉर्ट ग्राफ पे, ये कि सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है इधर, ठीक है। 79,425 या 79,400 समझ लें, या इसकी नेक लाइन भी ले लें, तो यहाँ पर भी ये सपोर्ट एरिया अच्छा, ये हम इसकी नेक लाइन ले लेते हैं एक्चुअली, चले सही है यहाँ तक जो है, यहाँ विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ आप इस एरिया पे बाई कर सकते हैं ऑन शॉर्ट ग्राफ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा इसमें अभी इसका जो है डिफरेंस है। तो 79,200, 300, 400 ये जो है ये सपोर्ट एरिया है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे ये कोई विक बनती है और क्लोजिंग इसके ऊपर आती है तो दैट्स गुड, अच्छा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल बनती है, तो मजीद यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकती है टिल 81,360, ये 368 से इसका ब्रेकआउट एरिया शुरू हो जाएगा। 81,300 या 400 समझ लें, 81,300 टिल 84,900-800 ये जो है ये ब्रेकआउट ट्रेजेक्टरी होगा, तो इसके ऊपर मजीद हम मार्केट जो है अपसाइड होते हुए देख सकें, जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी प्लान करें, जो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया था पावर सेक्टर है, ईएनपी सेक्टर है, जिनके पी रेशियो बहुत कम है, मैंने अपने उसमें भी शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में,
कि कौन से अच्छे स्टॉक है जो मैंने हाईलाइटेड भी किए हुए हैं, जो जिनका पे आउट रेशियो भी मतलब डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है और पी रेशियो भी अच्छा है, उनको आप फोकस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।